नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आप इस बात को समझिए, एक तरफ मोहम्मद जुबैर के बारे में जस्टिस कहते हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर या उनको जमानत नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जो इस मैन कॉन्ट्रोवर्शियली की मैन एक्यूज हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में इतनी तबाही मची, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा देता है। आप समझिए, एक तरफ जस्टिस जुबैर के मामले में कहते हैं कि इनको परेशान करने के लिए एफआईआर की जा रही है, इनको सिर्फ रिमांड करने के लिए एफआईआर की जा रही है। एक तरफ इनकी जमानत होती है, दूसरी तरफ एफआईआर हो जाती है, लेकिन उनकी वो कैंसिल नहीं होती एफआईआर, ना ही उनको जमानत मिलती है। नुपुर शर्मा को बिना जेल जाए हुए उन पर रोक लगा दी जाती है। अब खबर आ रही है कि उनको कहा गया है कि आप जहाँ चाहती है वहाँ पर आपकी सारी एफआईआर जो है वो सुनवाई के लिए भेजी जा सकती है, हम इस पर काम कर रहे हैं। आप समझिए, अगर आप जुबैर हैं और खासकर सत्ता से सवाल करते हैं या सत्ता के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करते हैं, तो आपके साथ कैसा सलूक होगा, आपके सामने है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने नुपुर शर्मा के मामले में कहा था कि सारे जड़ की वजह नुपुर शर्मा है, आपकी वजह से पूरे देश में जो है मारकाट मची हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 10 अगस्त तक राहत दे दी है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बल्कि उनके वकील से पूछा गया है कि आप क्या दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पसंद करेंगे, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप बताइए। एक तरफ मोहम्मद जुबैर जो बीजेपी को एक्सपोज करता था, जो इनके झूठे प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने लाता था, सच दिखाता था, उनको थाना दर थाना दर थाना यूपी में घुमाया जा रहा है, उनको रिमांड लिया जा रहा है, एक के बाद एक एफआईआर हो रही है, लेकिन उनकी जमानत रद्द नहीं होती है। आप समझ सकते हैं, जुबैर और नुपुर शर्मा दोनों पर सेम ही, लगभग सेम ही धाराएं लगी हुई है, सेम एक ही मामले में दोनों पर आरोप है कि दोनों ने धार्मिक भावनाएं आहत की। लेकिन एक जुबैर जो है वो थानों के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देता है। अब बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से बीजेपी इस प्रोपेगेंडे को फैलाती है। बिहार में दो युवक आपस में लड़ते हैं, वो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनको चाकू मार दिया जाता है एक युवक को, लेकिन बीजेपी वाले झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कहते हैं कि ये नुपुर शर्मा का समर्थक था, इसलिए इस पर एक मुस्लिम लड़के ने हमला कर दिया। देखिए किस तरीके से इनके झूठे प्रोपेगेंडे को वहाँ के जो SSP है, थाना प्रभारी, उन्होंने एक्सपोज किया है। वो कह रहे हैं कि ये इनकी आपसी रंजिश का मामला था, जहाँ ये खड़े थे सिगरेट के धुएं को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इनमें आपस में मारपीट हुई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि एक युवक ने उसके चाकू से हमला कर दिया। ये देखिए, शम्स तबरेज काश्मीर, उन्होंने लिखा है, मीडिया का घटिया चेहरा एक मरतबा फिर बेनकाब हो गया है और सीतामढ़ी के SP ने सच बता दिया कि बिहार के नानपुर में युवकों के बीच सिगरेट का धुआं फेंकने की वजह से आपस में लड़ाई हुई थी। नुपुर शर्मा विवाद का इससे कोई लेने देना नहीं है जो मीडिया में बताया जा रहा है। इनकी आप बाइट सुन सकते हैं जो वहाँ के SP हैं। कुछ लोग वहाँ नशा इत्यादि कर रहे थे, उसी में सिगरेट का धुआं एक व्यक्ति पे फेंकने को लेकर के 4-5 लड़कों में आपस में विवाद हुआ, उसमें से एक लड़के द्वारा कि वो किस तरीके से इस केस को साफ और क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि ये दो युवकों का आपस में मामला है, ना कि नुपुर शर्मा का समर्थक करने पर उनको मारा गया है। तो जो मीडिया है, जो BJP IT सेल हैं, जो BJP के बड़े बड़े नेता हैं, वो किस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, इसी प्रोपोगेंडे को मोहम्मद जुबैर एक्सपोज करते थे, इसी प्रोपोगेंडे को मोहम्मद जुबैर जनता के सामने लाते थे, जिसके चलते उनको आज टारगेट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर दोनों पर सेम ही धाराएं हैं लगभग, लेकिन एक को ट्रीट क्या मिल रहा है और दूसरे को ट्रीट क्या मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील से पूछा है कि आप बताइए, आप अपने कंफर्ट के लिए कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनकी जो जितनी भी FIR हैं वो सब एक जगह जमा करके सुनवाई हो, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा उनको फटकार लगाई थी, सिर्फ याद रखिएगा, फटकार लगाई थी कि आप जिम्मेदार हैं, उन पर कोई फाइन या उनको कोई सजा नहीं दी थी।
सिर्फ फटकार लगाई थी। अब दूसरी दफा में उनसे पूछा गया है, अच्छा तो आप बताइए आप जो है कहां पर अपनी एफआईआर जो है एक जगह जमा करवाना चाहते हैं, तो उनके वकील कहते हैं कि पहला मामला दिल्ली में दर्ज हुआ था, पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, तो इसलिए सारी एफआईआर दिल्ली आ जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात हैं। लेकिन जुबेर के खिलाफ सेम ही आरोप में सेम ही धाराओं में दिल्ली में पहला मुकदमा होता है, और जो एफआईआर करता है, जो शिकायत करता है, वो एक ट्विटर यूजर होता है, बाद में वो डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका आता पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद यूपी के तमाम जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर होती है, हाथरस में, सीतापुर में, कानपुर में, लखीमपुर में, और हर जगह सेम एक जैसी जो है एफआईआर होती है। इसीलिए जस्टिस साहब ने भी कहा था कि जुबेर के मामले में जो एफआईआर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, बदले की भावना से उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो एफआईआर है। वो ये नहीं कहते हैं उनकी एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए या उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं, यही बात खत्म हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर नुपुर शर्मा हैं तो उसको राहत मिलेगी, फटकार लगेगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं अगर आप जुबेर हैं तो देश के तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और आपको हर बार जो है रिमांड पर भेजा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आप पे झूठे सच्चे फर्जी सारे मुकदमे लगा दिए जाएंगे ताकि आप आवाज ना उठा सके, आप कभी जो है सत्ता से सवाल ना कर सके, आप इतने डर जाएं कि आप वो सारा काम छोड़ दें जो आप कर रहे थे, सच के लिए जो आप लड़ रहे थे वो भूल जाएं, आप भी गुलामी की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दें। तो ये असल मुद्दा है कि किस तरीके से सरकारें एजेंसियों का, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके जो सच के लिए आवाज उठाता है उसको जेल में डालने का काम करती हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।